रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से यानी पिछले करीब 10 महीने से जंग जारी है, जो कब खत्म होगी किसी को नहीं पता, क्योंकि दोनों ही देश अपनी बातों पर अटल हैं और इसी हट ने हजारों लोगों की जान लेने के साथ साथ लाखों लोगों को विस्थापित कर शहरों को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। अब रूस ने यूक्रेन को धमकी देते हुए दो टूक कहा है कि यूक्रेन अगर अपना भला चाहता है तो हमारी शर्तों को मान ले, वरना आखिरी फैसला हमारी सेना ही करेगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को की क्या शर्तें हैं, ये यूक्रेन की सरकार को अच्छी तरह से पता है, इसलिए यूक्रेन अपनी भलाई के लिए इन प्रस्तावों को मान लेगा तो ठीक है, नहीं तो रूसी सेना इससे निपट लेगी और फिर इसका भयानक नतीजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि हम इस युद्ध की शुरुआत से ही कह रहे हैं कि यूक्रेन और उसके सहयोगी पश्चिमी देश हमारी जमीन को हड़पने के लिए साम्राज्यवादी शैली अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में रूस ने यूक्रेन के चार प्रांत डोनेत्स्क, लुहानस्क, ज़ापोरिज्या और खेरसोन पर जनमत संग्रह के बाद इसे रूस का हिस्सा बनाया था, जिसे यूक्रेन और अमेरिका ने फर्जी और अवैध कहकर खारिज कर दिया था, क्योंकि कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी इस भूमि को हमसे हड़पना चाहते हैं। वहीं बीते रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चर्चा की कमी के लिए पुतिन ने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों को दोषी ठहराया। अब ऐसे में तो इस जंग का कोई भी अंत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहां यूक्रेन शांति के बदले में रूस को कोई भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं है और सार्वजनिक रूप से रूस से सभी क्षेत्रों को छोड़ने की मांग कर रहा है, वहीं रूस भी यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है शायद ही उन्हें छोड़े, क्योंकि इस जंग में अरबों रुपए खर्च कर शायद ही रूस अपना बिना कुछ फायदा किए पीछे हटे, और जिन क्षेत्रों पर रूस का कब्जा है वो आने वाले समय में नेटो देशों के लिए एज अ बैरियर काम करेंगे, जिससे रूसी सेना नेटो डिफेंस फोर्सेस को मेनलैंड रूस से दूर रख पाएगा।